नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल टेक्निकल सचिन में। और एक वीडियो लेकर हाजिर हूं आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसा फ्री AEPS CSP पोर्टल बताने वाला हूं। इस फ्री AEPS CSP पोर्टल से आप बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो और जो तो कैश डिपॉजिट कर सकते हो। तो आपको भी अगर से एक अच्छा AEPS CSP पोर्टल अगर से फ्री में अगर से लेना है तो आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से कंपनी की ओर से, कौन से ब्रांड की ओर से आपको यहाँ पर जो तो ये फ्री AEPS CSP पोर्टल यहाँ पर जो तो मिलेगा। और यह जो तो एक बेस्ट AEPS CSP पोर्टल है जिसमें कि आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग का फैसिलिटी मिलेगा और कैश डिपॉजिट का फैसिलिटी मिलेगा। और आप ये दोनों अगर से काम करोगे तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा कमीशन भी मिलने वाला है। तो आपको भी अगर से एक अच्छा AEPS CSP पोर्टल अगर से लेना है तो आपसे मेरी एक ही गुजारिश रहेगी कि आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ही चाहिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं जो तो आपका कीमती समय ज्यादा बर्बाद नहीं करता और वीडियो को सीधा आगे बढ़ाता हूं। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। अभी तक आपने टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया है तो कर लीजिए, और साइड में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई इस तरीके का लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, किसी और के पास नहीं जाए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं जो तो वीडियो को और आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि कौन से ब्रांड की ओर से, कौन से कंपनी की ओर से यह फ्री AEPS CSP पोर्टल आपको यहां पर जो तो मिलने वाला है। तो उस कंपनी का, उस ब्रांड का नाम है एयरटेल। तो एयरटेल जो तो एयरटेल पेमेंट बैंक बैंकिंग पॉइंट बोल के एक सर्विस यहाँ पर जो तो प्रोवाइड करता है, उसी सर्विस में यहाँ पर जो तो उन्होंने जो तो एक AEPS का सर्विस यहाँ पर जो तो ऐड यहाँ पर जो तो एक्स्ट्रा किया है। यहाँ पर जो तो इसमें आपको बहुत सारी यहाँ पर जो तो सर्विसेज यहाँ पर जो तो मिलती है, और यह जो तो आपको फ्री में यहाँ पर जो तो ये AEPS CSP यहाँ पर जो तो मिलने वाला है। एयरटेल जो है तो बहुत दिनों से जो है तो अपना एयरटेल पेमेंट बैंक बैंकिंग पॉइंट सर्विस यहाँ पर जो तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें जो तो AEPS का सर्विस यहाँ पर जो तो नहीं था। तो अब जो तो एयरटेल ने जो तो उस एयरटेल पेमेंट बैंक बैंकिंग पॉइंट में जो तो AEPS का सर्विस यहाँ पर जो तो ऐड यहाँ पर जो तो कर दिया। तो अब जो तो मैं आपको बताता हूँ कि एयरटेल पेमेंट बैंक बैंकिंग पॉइंट सर्विसेज में आपको कौन कौन सी और कितनी सर्विसेज मिलेगी, जिन्हें आप यूज करके कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके ज्यादा से ज्यादा कमीशन यहाँ से जो तो आप अर्न कर सकते हो। यहाँ पर जो तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक बैंकिंग पॉइंट सर्विसेज में सबसे पहला सर्विस मिलेगा जो कि रहेगा बैंक अकाउंट ओपनिंग। तो इस AEPS CSP पोर्टल से आप जो है तो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट यहाँ से जो तो आप ओपन कर सकते हो, और इसके लिए आपको यहाँ से जो तो अच्छा खासा कमीशन भी यहाँ पर जो तो मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो तो आप सिर्फ और सिर्फ जो तो एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट ही यहाँ से जो तो आप ओपन कर सकते हो, दूसरे किसी भी बैंक का जो तो यहाँ से आप सेविंग अकाउंट ओपनिंग यहाँ से जो तो नहीं कर सकते हो। अब जो तो मैं आपको दूसरा सर्विस बताता हूँ जो कि है कैश डिपॉजिट। तो यहाँ से जो तो आप सिर्फ और सिर्फ जो तो एयरटेल पेमेंट बैंक का ही सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो, और उसके लिए आपको अच्छा खासा यहाँ पर जो तो कमीशन मिलने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट के अलावा जो तो दूसरे किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट में आप जो तो कैश डिपॉजिट या से जो तो नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप जो तो इस AEPS CSP पोर्टल से जो है तो एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में ही जो तो ऐसे कैश डिपॉजिट जो तो कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा सर्विस की इस AEPS CSP पोर्टल में आपको कौन सा यहाँ पर जो तो मिलेगा। तो तीसरा सर्विस यहाँ पर आपको मिलेगा कैश विड्रॉल, कि ऐसे जो तो आप किसी भी बैंक का जो तो कैश विड्रॉल जो तो कर सकते हो, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, या फिर HDFC बैंक हो गया। तो यहाँ पर जो तो आप किसी भी बैंक का कैश विड्रॉल जो तो करके आप ऐसे जो तो अच्छा कमीशन ऐसे जो तो अर्न कर सकते हो। इसके पहले जो तो कैश विड्रॉल जो तो आप सिर्फ और सिर्फ एयरटेल पेमेंट बैंक का ही कर सकते हो, लेकिन जैसे ही एयरटेल ने जो तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक बैंकिंग पॉइंट सर्विस में यहाँ पर जो तो यहाँ पर AEPS का सर्विस यहाँ पर जो तो प्रोवाइड किया है, तो ऐसे जो तो अब से आप जो है तो यहाँ पर किसी भी बैंक का कैश विड्रॉल ऐसे जो तो आप कर सकते हो। अब जो तो मैं आपको आप जो तो चौथा सर्विस बता दूँ, चौथा सर्विस ऐसे जो तो आपको ये मिलेगा कि ऐसे जो तो आप मनी ट्रांसफर भी जो तो कर सकते हो, और इसके लिए आपके यहाँ पर जो तो कम से कम यहाँ पर जो तो चार्ज लगेगा। आप अगर से 1000 रुपीज अगर से ऐसे अगर से मनी ट्रांसफर अगर से करते इस AEPS CSP पोर्टल से, आप अगर से किसी भी बैंक में अगर से 1000 रुपीज 1000 रुपीज अगर से मनी ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है तो 10 रुपीज का यहाँ पर जो तो चार्ज लगेगा, लेकिन नेक्स्ट डे जो है तो आपको रिटर्न जो है तो यहाँ पर 5 रुपीज का यहाँ पर जो तो कमीशन मिल जाएगा। मतलब कि आप अगर से 1000 रुपीज अगर से मनी ट्रांसफर करेंगे इस AEPS CSP पोर्टल से, तो उसके लिए सिर्फ आपको यहाँ पर जो तो 5 रुपीज का यहाँ पर जो तो चार्ज लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ पांचवा सर्विस। तो पांचवा सर्विस यहाँ पर जो तो आपको बिल पेमेंट का यहाँ पर जो तो मिलेगा, या से जो तो आप कोई भी जो तो बिल पेमेंट कर सकते हो, और इसके लिए भी जो तो आपको यहाँ पर जो तो अच्छा कमीशन मिलेगा। और आपको यहाँ पर जो तो और भी बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर जो तो देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर जो तो मोटर इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो तो शॉप इंश्योरेंस हो गया, और भी बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर जो तो आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप जो तो ज़्यादा सर्विस कस्टमर को जो तो प्रोवाइड करके ज़्यादा कमीशन यहाँ पर जो तो अर्न कर सकते हो, ज़्यादा आपकी आमदनी को यहाँ पर जो तो बढ़ा सकते हो।
तो अब जो तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यह AEPS CSP पोर्टल लेना है या फिर किस तरीके से आपको यह जो तो एयरटेल पेमेंट बैंक बैंकिंग पॉइंट जो तो ओपन करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपके पास यहाँ पर जो तो शॉप होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास यहाँ पर जो तो एयरटेल का लाभ हो यहाँ पर जो तो होना चाहिए। आपके पास अगर से शॉप है और आपके पास अगर से एयरटेल का अगर से लाभ हो तो आपको जो तो आपका जो एयरटेल का जो लाभ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है तो उससे आपको कॉन्टैक्ट करना है और उसको बताना है कि मुझे जो है तो एयरटेल पेमेंट बैंक का बैंक पॉइंट का सर्विस यहाँ पर जो तो लेना है। तो वो जो तो क्या करेगा, जो उसका RSM TSM जो होगा तो उससे जो तो वो कांटेक्ट करेगा। उसके बाद में आपका फॉर्म वगैरह जो तो पूरा फिल करना पड़ेगा, आपका KYC वगैरह होगा, उसके बाद में जाकर जो तो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक बैंकिंग पॉइंट का जो सर्विस है वो जो तो स्टार्ट होगा। आपका जो तो एक बिजनेस का अकाउंट बनेगा, उसके बाद में जो तो आप ये जो पूरा सर्विसेज आपको मैंने बताया तो ये जो तो पूरा सर्विस आप जो तो आपके शॉप पर जो तो कस्टमर को प्रोवाइड जो तो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो तो ये AEPS CSP पोर्टल जो तो ले सकते हो या फिर इस तरीके से आप जो तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक बैंकिंग पॉइंट सर्विस यहाँ पर जो तो ले सकते हो, बैंकिंग पॉइंट जो तो आप आपकी शॉप पे यहाँ पर जो तो ओपन कर सकते हो। और आपको अगर से इसका पूरा डिटेल अगर से चाहिए, पूरा फुल वीडियो अगर से डिटेल के साथ में अगर से चाहिए कि किस तरीके से आप जो तो एयरटेल पेमेंट बैंक बैंकिंग पॉइंट ओपन कर सकते हो या फिर जो तो किस तरीके से आप कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो इसका पूरा डिटेल अगर से आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लेस करके जरूर बताओ। इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो आपको जो तो मैं पूरा डिटेल्स के साथ में यहाँ पर जो तो बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एयरटेल पेमेंट बैंक बैंकिंग पॉइंट ओपन करना है, किस तरीके से कैश डिपॉजिट करना है, किस तरीके से कैश विड्रॉल करना है, किस तरीके से यहाँ से जो तो आपको यहाँ पर जो तो मनी ट्रांसफर करना है। मेरे पास यहाँ पर जो तो एयरटेल पेमेंट बैंक का बैंकिंग पॉइंट है और जो तो मैं इसे जो तो बहुत दिनों से यहाँ पर जो तो यूज़ कर रहा हूँ और मुझे जो तो इसके बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर जो तो नॉलेज है। तो आपको अगर से कोई अगर से दिक्कत आ रहा है, कोई अगर से आपको अगर से परेशानी या फिर आपका कोई अगर से सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे प्लेस करके आप जो तो पूछ सकते। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो वीडियो प्लेस करके लाइक करो। आपके दिल में कोई सवाल अगर से है तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लेस करके जरूर बताओ। और अभी तक आपने टेक्निकल सचिन YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया है तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल सचिन YouTube चैनल।